हेलो फ्रेंड्स, स्विस जॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। इस लेक्चर के अंदर हम इंडियन राइनो विजन 2020 डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर की पीडीएफ आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इंडियन राइनो विजन 2020 ये 2005 में लॉन्च हुआ था और इसका टारगेट क्या है कि जो राइनो की पॉपुलेशन है उनको 3000 तक पहुंचाना और जो राइनो की पॉपुलेशन है उसको 7 डिफरेंट एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करना, और जो 7 डिफरेंट एरिया होंगे वो सारे के सातों के साथ जो एरिया है वो आसाम के अंदर होंगे। ओके गाइस, और ये जो विजन है IVR विजन 2020 ये एक पार्टनरशिप है किस किस के बीच में, गवर्नमेंट ऑफ आसाम, इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल एंड US फिश एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन। ठीक है गाइज, आप वर्ल्ड लाइफ फंड और वर्ल्ड लाइफ फाउंडेशन के बारे में हमारी वेबसाइट से या फिर हम यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, उसका लेक्चर डिफरेंट अलग से दिया गया हुआ है। इंडियन राइनो विजन इसमें क्या किया जाएगा गाइज, जो राइनो है उनको ट्रांसलोकेट किया जाएगा, मतलब एक एरिया से दूसरे एरिया पे पहुंचाया जाएगा। काजीरंगा नेशनल पार्क और पबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये दोनों ही आसाम के अंदर है। इसमें क्या है, मतलब जो राइनो की पॉपुलेशन है वो बहुत ज्यादा है। काजीरंगा में लार्जेस्ट राइनो पॉपुलेशन है इंडिया की और सेकंड लार्जेस्ट है पबित्रो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, और दोनों ही आसाम में है। तो क्या किया जाएगा, इन दोनों एरिए से के जो राइनो है उनको अलग एरिए में लोकेट किया जाएगा। ठीक है, मतलब 5 जो अदर प्रोटेक्टेड एरिए उनमें लोकेट किया जाएगा, जैसे कि मानस जो कि नेशनल पार्क है, और ये 5 जो एरिए वो भी असम के अंदर ही है। ओके, तो असम के अंदर ही ट्रांसलोकेट किया जाएगा, असम से बाहर नहीं। मानस नेशनल पार्क है, लखौवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बुराचोपोरी कोचमोरा ये एक प्रोटेक्टेड एरिया है, डिब्रू शेखावा नेशनल पार्क है औरंग नेशनल पार्क है, ये सारे के सारे असम के अंदर है। जो और गाइस ये जो लोकेशन है वो क्यों किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है क्योंकि जो एक जगह पर अगर राइनो की पॉपुलेशन होगी तो उसमें खतरे का डर रहेगा, मतलब अगर नेचुरल डिजास्टर आता है तो पूरी की पूरी पॉपुलेशन का वाइप आउट होने का डर रहेगा, मतलब खत्म होने का डर रहेगा अगर कोई भी डिजास्टर होता है। तो अगर इनकी पॉपुलेशन अलग अलग एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो ये रिस्क हम कम कर सकते हैं। इसमें क्या किया जाएगा, जो हॉर्न मतलब सींग जो होता है राइनो का उसको ट्रिम कर दिया जाएगा उसके ट्रांसलोकेशन से पहले। क्यों किया जाएगा, क्योंकि गाइस उससे क्या होगा, जो पोचर्स होते हैं वो सींग के पीछे होते हैं, तो वो सींग नहीं होगा तो वो उनका शिकार नहीं करेंगे न्यू एरिया में। ठीक है, क्या होता है गाइज, ये जो सींग होता है इनका हॉर्न होता है वो बेसिकली ट्रिम करने के बाद 4 to 5 मंथ में वापस उग जाता है, मतलब वापस आ जाता है। और ये जो पोचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, मतलब ये जो ग्रीड की वजह से, मतलब बड़े सिंग मिल जाए एक ही बार में मिल जाए, उससे क्या होता है, ये जो हॉर्न होता है उसकी रूट से उसको कट करते हैं, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है राइनोस की। इस प्रोजेक्ट में जो है लोकल कम्युनिटी है उन पे भी कंसंट्रेशन करा जाएगा, उनको कंजर्वेशन एफर्ट से जोड़ा जाएगा और उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी अराउंड नेशनल पार्क, किसके अंदर, कंजर्वेशन के अंदर और टूरिज्म के अंदर। अब राइनो के बारे में देख लेते हैं गाइज, राइनो है जो वल्नरेबल लिस्ट के अंदर आता है, IUCN की जो रेड लिस्ट है उसके अंदर वल्नरेबल के अंदर आता है, और इसका जो हैबिटेट है वो इंडो गंगेटिक प्लेन में पूरा का पूरा फैला हुआ है। एक टाइम पे ये पाकिस्तान से लेकर इंडो म्यांमार बॉर्डर और यहाँ पाकिस्तान से लेकर इंडो गंगेटिक डेल्टा में पूरे के पूरे में पाए जाते थे प्लेन्स के अंदर, पर हंटिंग और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट से क्या हुआ, इनका हैबिटेट लॉस हुआ और ये सिर्फ अब इंडिया, नॉर्थन इंडिया और साउथर्न नेपाल में पाए जाते हैं, और बेसिकली देखा जाए तो सिर्फ 11 साइट्स इनकी रह गई है जहां ये पाए जाते हैं। ओके गाइस, याद रखिएगा ये सब पॉइंट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, शेयर विद अदर टू एक्सपेंड नॉलेज, सेव टाइम, सेव ट्रीज एंड एनरिच योरसेल्फ।